तीन दिन का हमारा ये सेशन आज पूरा हुआ है और विधायी कामों में 11 एक्ट बिल जो है पेश किए गए और जो एक्ट के रूप में पारित हुआ, सब पास हुए। बहुत विपक्ष के लोगों की इस बार मानसिकता थी कि इनको किसी न किसी कमेटी को सुपुर्द कर दिया जाए और एक बार कमेटी को दिया तो समझो गई भैंस पानी में है। तो इसलिए हमने जो जो उनकी शंकाएं थी सब दूर की हैं और साथ में ये भी कहा है कि आखिर कहीं भी कोई ऐसा विषय आए जो बाद में लगता है कि इसमें और जोड़ा जाना चाहिए तो आखिर हर 3 महीने बाद 4 महीने बाद हमारा सेशन होता है, उसमें लेके आए। फंडामेंटल किसी भी प्रकार की ऐसी कोई कमी वो नहीं बता पाए जिसके कारण से इससे कोई लाभ के बजाय हानि होनी हो। हर एक्ट में कुछ ना कुछ उसका उद्देश्य है, उसका एम है। एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स में हमने क्लियर किया है कि किस लिए ये एक्ट सारे पारित कराए जा रहे हैं। खास करके आज के मैं जो 3 एक्ट हैं जिनके ऊपर चर्चा काफ़ी हुई उसकी अगर मैं चर्चा करूँ तो राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन रिहैबिलिटेशन और सेटलमेंट हरियाणा अमेंडमेंट बिल 2021, इसके अंदर मुख्य रूप से हमारा हेतु जो था कि इस एक्विजिशन में बहुत से ऐसे व्यवधान आ जाते हैं कि कई कई लोग ज़मीनों के छोटे छोटे टुकड़ों के मालिक होते हैं और कोई भी जो डेवलपमेंट का काम है, लीनियर डेवलपमेंट है, कोई हेल्थ के नाते से है, कोई एजुकेशन के नाते से है, रोड है, रेलवे है, मेट्रो है और इवन डेवलपमेंट ऑफ कॉलोनीज भी जो है उसमें जो रोड्स दी जाती हैं बीच में, उन रोड्स की जो ज़मीन है कोई भी एक आदमी उसको पकड़ के बैठ जाता है कि मैं नहीं बेचता। अब उसके अंदर उसका एक सरल प्रावधान किया जाए कि एक्विजिशन में जिसकी इमरजेंसी है या जिसकी आवश्यकता बहुत अधिक है उसमें जो इम्पैक्ट सोशल इम्पैक्ट का जो सिस्टम है उसको किए बिना ही उसकी एक्विजिशन की जाए। अब उस एक्विजिशन में पैसा तो उस जो कंपनसेशन है वो तो पूरा मिलना ही है, उस कंपनसेशन में कहीं कोई कमी नहीं, जो पहले एक्ट में है वही उनको मिलेगा। केवल उसमें जो सहमति वाले विषय हैं उस सहमति के आधार पर कि हम इसको बेचना चाहेंगे कि नहीं बेचना चाहेंगे। अब कोई लीनियर अगर प्रोजेक्ट है और मानो रेलवे का है और वो कहें कि इधर से नहीं निकालो इधर से निकालो, तो रेलवे के अपने नियम हैं, मेट्रो का है वो अपने नियम है, हाईवेज का है उनके अपने नियम हैं। हाँ, छोटी कोई इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, कोई स्कूल बनाना है, अस्पताल बनाना है, इसको हम इधर से उधर कर सकते हैं, लेकिन लीनियर डेवलपमेंट को इधर से उधर नहीं किया जा सकता। केवल उतना ही उसमें छूट मांगी गई है या जो पब्लिक इम्पोर्टेंस के जो पहले से उसमें दर्ज हैं, आर्मी का है, कोई सिक्योरिटी का है, कोई ऐसी चीज़ें हैं उसका प्रावधान किया गया, इसलिए उसमें कोई समस्या का ऐसा आने का कोई कारण नहीं है। पंचकुला मेट्रोपोलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये हमने तीसरी डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई है, पहले गुरुग्राम और फरीदाबाद की बनी हुई, तीसरी ये बन गई है तो वहाँ के विकास के नाते उसका उपयोग होगा। फिर एक जिसमें उनकी ओर से काफ़ी जो चर्चा हुई है वो है हरियाणा पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स, नकल विरोधी कानून। नकल को रोकने के लिए ये कानून हम लेकर के आए हैं, बहुत प्रदेशों ने बना रखा है और हमारे यहाँ जो पिछले 2-3 ऐसे एपिसोड हो गए हैं उसमें हमें भी बहुत दुख हुआ है और बहुत खेदजनक है वो कि पेपर यानी एक प्रकार से लीक हो जाता है। बहुत लाखों जो परीक्षार्थी हैं वो एक आकांक्षा के साथ आते हैं कि उनका फेयर एग्ज़ाम होगा, उनको नौकरी मिलेगी, लेकिन वही पेपर किसी ना किसी की साजिश से अगर लीक हो जाता है तो उसमें एक सख्त सज़ा का प्रावधान किया जाए और एक डेटरेंट उसमें हो, लोगों को भय लगे कि ये गलती, ये जो नकल का काम है ये हम नहीं करने देंगे, क्योंकि अनलॉफुल अनफेयर मीन्स लाखों करोड़ों रुपए के ये काम धंधे शुरू हो गए हैं इस धंधे को रोकने के लिए। क्योंकि इसमें तो 7-8 अगस्त को ये पेपर होना था, उस समय हमें जैसे पता लगा कि ये पेपर लीक पहले से हो चुका है, हमने उसको रद्द करवा दिया और रद्द करवाया। उसके बाद फिर पुलिस ने जाँच की है और मुझे खुशी है इस बात की बताते हुए कि पुलिस इन 18-20 दिनों में ही उसके सोर्स तक पहुंच गई कि कहां से वो लीक हुआ था। जम्मू में एक प्रेस मिली है क्योंकि 2 जगह से वो प्रिंट हुआ है, तो एक उसमें जम्मू है, तो जम्मू का जो लीकेज हुआ वहां से वो पेन ड्राइव निकली, जिसने पेन ड्राइव निकाली है बाहर वो भी पकड़ा गया है, उसने 5 लाख रुपये में दूसरे आदमी को दी, उसने आगे 10 लाख में दी, उसने आगे तीसरे को 20 लाख में दी, वो पहुँचते पहुँचते वो पेन ड्राइव हरियाणा में 1 करोड़ रुपए तक जाके बिकी है। और ये एक गैंग है पूरा जिसके अंदर हमने 26 या 28 लोग गिरफ्तार किए हैं,
कैथल पुलिस स्टेशन में ये दर्ज है मामला, तो हमारी पुलिस कोऑर्डिनेटिव वे में सब हरियाणा के जिन जिन स्थानों के ऊपर ये सब पहुंचा है उन सबको पकड़ लिया है। और इसमें भी जो लोग पकड़ा गया है अगर उसके पीछे भी कोई होगा उसको भी बख्शा नहीं जाएगा, उसकी छानबीन भी की जाएगी। तो दूसरा ये बिल था। तीसरा एक बिल है जिसके ऊपर चर्चा उन्होंने की है, वो है परिवार पहचान पत्र। ये परिवार पहचान का विषय हमारा लगभग 2.5 साल से चल रहा है और धीरे धीरे इसमें रजिस्ट्रेशन 64 लाख परिवारों ने इसमें रजिस्ट्रेशन करा लिया है, लेकिन ये बड़ा प्रोजेक्ट है इसलिए इसके ऊपर लेजिस्लेशन लाना ये हमें लगा ये उचित है। कल को कहीं कोई इसका एतराज़ ना हो जाए, कोई इसको चैलेंज ना करे, लेकिन उसमें तरह तरह के कई बातें उन्होंने उठाई, इसका लाभ क्या है, ये क्यों बनाया जा रहा है। हमने सारा जो स्पष्ट पहले आपको बताया है कि गरीब आदमी को भी उसके परिवार को भी हम पहचान करके और लाभ दिला सकें। BPL की कैटेगरी भी उसमें हमने 1,80,000 रुपया वार्षिक आय इससे कम के लोगों को BPL, और फिर अंत्योदय परिवार उत्थान योजना ये हमने चलाई है, परिवार समृद्धि योजना मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना ये हमने चलाई है। वो सारा डाटा उसी में से मिलेगा कि कौन पात्र व्यक्ति है, कौन अपात्र है, कौन डिजर्विंग है, कौन नॉन डिजर्विंग है। क्योंकि आज हमको लगता है बहुत सी ऐसी स्कीमें केंद्र की और प्रदेश की, नॉन डिजर्विंग आदमी अपात्र लोग वो ले लेते हैं, और जो पात्र तक पहुँचने में भी कठिनाई होती वहाँ तक पहुँच नहीं पाते, या हमने जो सीमित बजट किया हुआ था उस बजट के कारण से उन लोगों तक पहुँचते पहुँचते धन खत्म हो जाता, कम हो जाता, उसमें फिर हमें रोकना पड़ता है। लेकिन अब हम तय करेंगे कि जो अंत्योदय है, अंतिम व्यक्ति है, उसका एक सीनियोरिटी जो बनेगी वो उसकी इनकम के हिसाब से बनेगी। जो लोएस्ट इनकम का है उसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा, उसी हिसाब से हम उनको रोज़गार देने वाले हैं। जो अंत्योदय परिवार उत्थान योजना में उसमें भी पहचान कर ली गई है इनकम वेरिफिकेशन की, 48,000 परिवार तो सिलेक्शन में हो चुके हैं। पहले चरण में हमने 1,00,000 परिवारों का टारगेट रखा है, और अगला जो बाकी 52,000 है वो भी 20 दिन में और जो वेरिफिकेशन होकर के आ जाएगी, तो हमारे 6 डिपार्टमेंट हैं वो इसमें उन परिवारों की इनकम कैसे बढ़े इसके लिए वो काम कर रहे हैं। हम फ्री बांटने की बजाय लोगों को अपने पैरों पर खड़े हों इस भूमिका पर ज़्यादा चल रहे हैं। हाँ, जिनकी आवश्यकता ऐसी है कि उनको उसके बिना काम ही नहीं चलेगा, ऐसे लोगों को सहायता देना भी आवश्यक है। मानो किसी की फीस माफ़ी करनी है, किसी को पेंशन देनी है, किसी को कोई और सब्सिडी देनी है, ये चीज़ें भी हम कर रहे हैं, लेकिन इन्हीं को बढ़ाए चले जाना और लोगों को पैरों पर खड़े न करना, इसमें भी लोग डिपेंडेंसी की तरफ ज़्यादा बढ़ते हैं। जो योग्य है उसको आगे बढ़ाया जाए, किसी में योग्यता कम है उसकी सपोर्ट की जाए, ऐसे गरीब परिवारों को उत्थान के लिए ये हम परिवार पहचान पत्र के माध्यम से हम करेंगे। कोविड के ऊपर इन्होंने थोड़ा शुरू किया था, अब बड़ा दुख है इस बात का कि कोविड जैसी महामारी पर भी ये राजनीति कर रहे हैं। राजनीति वास्तव में ये विषय ऐसा है जो सबको मिल करके इस महामारी से में से पार लगना चाहिए, लेकिन इसमें भी इन्होंने जो कल राजनीतिक वक्तव्य दिए वो कोई बहुत अच्छे नहीं है कि ऑक्सीजन के कारण से लोगों की जो मृत्यु हुई है। हमारे यहाँ हरियाणा में किसी भी मृत्यु का कारण कोई ऑक्सीजन की कमी नहीं है। अगर कुछ मृत्यु हुई है तो उसके ऊपर जो रिपोर्ट्स आई हैं वो रिपोर्ट्स वहाँ की जो लापरवाही है डॉक्टर्स की, वहाँ के स्टाफ की, उस लापरवाही के कारण से एक 3 हॉस्पिटल की जो रिपोर्ट आई है हमारे पास, एक हिसार में है, एक रेवाड़ी में, एक गुरुग्राम में है, 3-3 रिपोर्ट हिसार की, तो 3 रिपोर्ट्स हैं। एक वहाँ के जो मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी हुई, एडमिनिस्ट्रेशन कराई, वो इंक्वायरी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उनकी भी, एक डॉक्टर्स की जो कमेटी है उसकी इंक्वायरी हुई, और एक तीसरी ह्यूमन राइट्स कमीशन ने भी उन सारी इंक्वायरी के आधार पर अपनी ओर से भी जो एक स्टेटमेंट दी है, उस स्टेटमेंट में भी उन्होंने कहा है कि ये कहीं ना कहीं डॉक्टर्स की, पैरामेडिक्स की उनकी जो लापरवाही है उसके कारण से ही ये मृत्यु हुई है। वरना तो उसी दिन जिस दिन ये मृत्यु वहाँ बताई जा रही हैं, हिसार में लगभग 750-800 पेशेंट्स और भी कोविड के थे, तो कोविड पेशेंट्स बाकी सब ठीक सप्लाई होती रही है। अब हम तो चूँकि स्टेशन पर एक जगह का मॉनिटर करते हैं, एक जगह वहाँ टोटल ऑक्सीजन है, वहाँ का डिस्ट्रीब्यूशन तो उस एजेंसी के और हॉस्पिटल के माध्यम से हो रही है। उस हॉस्पिटल में जिसमें ये मृत्यु हुई है वहाँ उस दिन 60 से 70 सिलेंडर्स की ज़रूरत थी ऑक्सीजन की, जबकि उनके पास केवल स्टॉक में 20 सिलेंडर, यानी सिलेंडर को एक दिन में भरने के लिए कम से कम 80-90 सिलेंडर के पास होने चाहिए। वो 20 सिलेंडर को बार बार भरवा रहे हैं और बार बार ला रहे हैं, बार बार ले जा रहे हैं,
तो आखिर इस ट्रांसपोर्टेशन में बार बार भरने में ये कठिनाई तो स्वाभाविक आ सकती है, तो इसलिए उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है सिलेंडर्स का उसकी भी कमी रही है। और रात के समय जब ये घटनाएं हुई हैं उस समय उन्होंने जो ऑन कॉल डॉक्टर्स होते हैं एमरजेंसी में उन लोगों को भी बुलाया नहीं गया, जिसके कारण से ये चीज़ें उनके कंट्रोल से बाहर निकली। जो एक बिल आया था जिसके अंदर जो अनऑथराइज कॉलोनीज हैं उनको ऑथराइज करने के लिए एक यूएलबी का ये बिल था जिसके अंदर वो पारित हो गया। अब जो लगभग 1200 ऐसी अनऑथराइज कॉलोनीज और हैं जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर कराया है, उसमें जो पैरामीटर को पूरा करेंगे उनको सबको ऑथराइज घोषणा की जाएगी।